नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने तहसील व सहायक तहसील अधिकारी के प्रशिक्षण के दौरान उनकी ड्यूटियों व जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी। उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कहा कि चुनाव में तहसील अधिकारियों का कार्य महत्वपूर्ण होता है। सभी अधिकारी अपने डाउट क्लियर कर लें तथा तहसील अधिकारी हैंडबुक अवश्य पढ़ लें। इस हैंडबुक में सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारी मतदाता कंपाउंड के अंदर अन्य किसी व्यक्ति को न जाने दें। फॉर्म नंबर 17 को अच्छी प्रकार से समझ लें। इसके अलावा ईवीएम व वीवीपैट की वर्किंग को भी भली भांति समझ लें ताकि उन्हें मतदान के दौरान कोई परेशानी ना हो। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर ने सभी अधिकारियों को ईवीएम व वीवीपैट के बारे में पूरी जानकारी बारीकी से दी। आज जो है हमारी असेंबली लेवल ट्रेनिंग चल रही है कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, जिसमें हमारा प्रेजाइडिंग ऑफिसर और अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया है और इन्हें विस्तार से ईवीएम की ट्रेनिंग हमारे मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी गई और साथ ही साथ इनको जो है डिटेल में सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पीओ डायरी भरनी है, किस प्रकार से सत्र सी, ताकि किसी प्रकार की गलती ना रहे, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया जा रहा है ताकि जो हमारा चुनाव है वो पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। सभी प्रकार के कार्यों के लिए नोडल ऑफिसर लगा दिए गए हैं। स्वीप की एक्टिविटी चल रही है, लोग मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हमारे ईआरओ के माध्यम से और बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर लोगों के नए वोट भी बनवाए जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।